जो बुजुर्ग व्यक्ति के यहाँ पे गंगा नदी में डूब के जान चली गई है वो कौन थे आपके? हमारा भाई लाद के। यहाँ पे क्या करने के लिए आए? भोज लेने जाए वो पर भगली है सब बस गई पवर के हाके खातिर बस बुड़ गई। हाँ मतलब उनको तैरना होना। नमस्ते प्रणाम, मैं अनूप प्रजापति और आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर अनूप। मैं अभी देवरिया जिले के खामपर थाना के अंतर्गत कुकुकाटी में मौजूद है। बता दूं कि यहाँ पे एक 65 वर्ष के बुजुर्ग राम सरीखा यादव नाम के व्यक्ति थे, यहाँ पे एक बुजुर्ग थे और इसी गंधक नदी में भैंस चराने के लिए आए हुए थे। बता दूं कि संजोग उनके साथ पता ना कैसे क्या हुआ कि उस इसी गंधक नदी में वो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो 65 वर्ष के, इसी में डूब गए। उसके बाद उनकी अभी बॉडी को बरामद नहीं किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत काफ़ी यहाँ लोग भी आए हुए हैं, ग्रामीण यहाँ के लोग भी आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन से उनकी बॉडी को जाँच कर रहे कि भी कहाँ है। अभी इस गंधक नदी में अभी कोई भी उनकी बॉडी को अभी बरामद नहीं किया गया है। कुछ यहाँ के निवासी हैं उनसे जानने प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश। जो बुजुर्ग व्यक्ति के यहाँ पे गंगा नदी में डूब के जान चली गई है वो कौन थे आपके? हमारा भाई लाद के। हाँ यहाँ पे क्या करने के लिए आए? भोज लेने जाए वो पर भगली है सब बस गई पवर के हाके खातिर बस बुड़ गई। हाँ मतलब उनको तैरना होना आता था पहले? ना वो पौरत गई बस हार गई बस रोजी बुड़ गई। हाँ तैरना नहीं आता था फिर भी इस नदी में घुस गए थे। हाँ वही में जाकर बुड़ गए। नहीं आता था उनको। देख सकते हैं बता दूं कि 65 वर्ष के बुजुर्ग थे और काफ़ी भी उनका उम्र भी हो चुका था और इस गंधक नदी में इनकी भैंस चराने के लिए आए थे और भैंस उस बगल नदी के चला गई। उसी कारण उन्होंने सोचा कि मैं इस नदी को उस पार चला जाए। लेकिन अभी देख सकते हैं इसका पानी भी इस नदी का थोड़ा कैमरा में पर्सन चाहेंगे इस यहाँ के दृश्य, इस गंधक नदी का दृश्य दिखाए। काफ़ी अभी पानी भी भरा हुआ है और इसके हवा भी तेज़ है। इसमें उन्होंने सोचा कि हम इस पार से उस पार चले जाएँ, अपने भैंस को इधर ले ले आएँ। उसी में उनका बीच में उनका थकान हो गया और उसमें रुक गए, उसके बाद उनका जान चला गया। अभी इसके बारे में हम आप लोग के हर एक अपडेट देता रहूँगा और देखा जाता है कि क्या अभी खामपर थाना के पुलिस प्रशासन इस मामले को पूरी अच्छा से उनकी बॉडी को जांच कर रही है और पता नहीं अब देखिए कहाँ क्या इनका कहाँ उनकी शव को बरामद किया जाता है। इसके लिए मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।